नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। मीराबाई जन्मोत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए, जहां डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का उनके द्वारा जारी किया गया। बता दें, मथुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक का गुजरात से एक अलग रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और पीएम मोदी ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर मीराबाई के नाम से एक डाक टिकट और एक 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। बता दें कि मथुरा पहुंचे मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रज के दर्शन करने का अवसर मिला। ब्रज में वही आता है जिसको कृष्ण बुलाते हैं। ब्रज की रज रज में राधा और कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, ये कहा गया। दरअसल संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक गुजरात का एक अलग रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर द्वारकाधीश बने। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती। विश्व के सभी तीर्थ यात्राओं से जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज के दर्शन से मिल जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संत मीराबाई ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में जो भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से उसकी आध्यात्मिकता को पहचान से विरक्त करना चाहते थे, जो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए, उन्होंने ब्रज भूमि को विकास से वंचित रखा। फिलहाल मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी ने डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी कर ये कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्रज की भूमि पर हूँ, क्योंकि जिसे श्री कृष्ण बुलाते हैं वही ब्रज की भूमि पर आ पाता है।